अब बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो कि बिगनिंग स्टेज में हैं, उनका ये क्वेश्चन रहता है कि हमें एक ऑडियो इंटरफेस लेना चाहिए या नहीं, एंड ले तो कौन सा लें। इवन कुछ प्रोड्यूसर्स को तो ये भी नहीं मालूम रहता कि ऑडियो इंटरफेस का बेसिकली काम क्या है, उसके फीचर्स क्या है, एंड वो क्या हेल्प करता है हमारे म्यूजिक मेकिंग में। इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर होने वाला है आज इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखते रहो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हे गाइस, दिस इज यूजी एंड वेलकम टू माय चैनल, लेट्स बिगिन। सो यार, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन रीज़न था वो ये था कि यार कुछ टाइम पहले मेरे पास एक बंदे का कॉल आता है, वो मुझसे पूछता है कि यार मुझे अपने होम स्टूडियो के लिए एक अच्छा सा कंडेंसर माइक्रोफोन सजेस्ट करो, क्योंकि बजट में तो आए एंड उसका काम भी हो जाए। सो मैंने उससे पूछा कि आपके पास ऑडियो इंटरफेस कौन सा है, तो उसका ये आंसर था कि यार भाई मेरे पास कोई भी ऑडियो इंटरफेस नहीं है, मुझे अपना माइक्रोफोन कनेक्ट करना अपने पीसी से एंड उसकी जो नॉर्मल डे टू डे की जो छोटी मोटी रिकॉर्डिंग्स थी वो से करनी थी। सो उससे ऑडियो इंटरफेस क्या होता है उससे यही नहीं मालूम था। सो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार ऐसे कितने ही प्रोड्यूसर्स होंगे, या ऐसे कितने ही बिगनर लोग होंगे जिन्हें ऑडियो इंटरफेस का मतलब ही नहीं मालूम होगा। तो ये रीज़न था मेरा इस वीडियो को बनाने का। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑडियो इंटरफेस है क्या। अब बेसिकली यार ऑडियो इंटरफेस एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो कि हमारे एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है एंड हमारे कंप्यूटर में डिलीवर करता है। एंड इसका ये भी एक अच्छा फ़ायदा होता है कि हमारी जो सोनिक कैपेबिलिटी रहती है हमारे पीसी की, जो उसका साउंड रहता है, वो उसे और क्लियर एंड डिटेल्ड बनाता है, ताकि हम उस पर ऑडियो पे और अच्छे से क्लियर तरीके से वर्क कर पाएँ। एंड उसके बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी होते हैं जो कि हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फीचर से। अब कोई भी ऑडियो इंटरफेस लेते समय आपको एक बात जो है वो ध्यान रखनी चाहिए, उसके प्रीएम्प। सबसे पहला फीचर है उसका प्रीएम्प। यार उसका प्रीएम्प किस क्वालिटी का बना हुआ है, क्योंकि माइक जो हम उससे कनेक्ट करने वाले हैं कंडेंसर माइक्रोफोन, वो टोटली उसकी जो 50% क्वालिटी है वो डिपेंड करती है प्रीएम्प पे। नो मैटर कि यार अगर आपके पास एक बेहतरीन से बेहतरीन माइक भी होगा, तो अगर आपका प्रीएम्प अच्छा नहीं है तो उससे वो बिल्कुल बेकार तरीके का साउंड करवाएगा। एंड अगर आपके पास कोई छोटा मोटा माइक्रोफोन भी होगा, जैसे कि जो मैं यूज़ करता हूँ बेहरिंजर C3, तो वो अच्छा प्रीएम्प भी उसे एक बहुत अच्छे लेवल पे साउंड करा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है ऑडियो इंटरफेस का वो है उसका प्रीएम्प का, क्योंकि यार प्रीएम्प बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे रिकॉर्डिंग्स में, एंड वो हमारे साउंड को और क्लियर एंड डिटेल्ड बनाता है एज कम्पेयर कि यार अगर हम कोई सा लो क्वालिटी प्रीएम्प यूज़ कर रहे, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें एक बहुत लो क्वालिटी का ऑडियो मिलेगा। यहीं अगर हम अच्छी कंपनी का ऑडियो इंटरफेस यूज़ करते हैं जो कि बहुत बेहतरीन प्रीएम्प के साथ आता है, फॉर एग्जाम्पल ऑडियंट के जो ऑडियो इंटरफेस आते हैं उनमें प्रीएम्स बहुत अच्छे रहते हैं, तो आप उसको ले सकते हो, क्योंकि उसमें जब हम गिटार्स रिकॉर्ड करते हैं, वोकल्स रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे आते हैं। यही मैं चीप क्वालिटी अगर बात करूँ तो बेहरिंजर U4 या UM2 जो ऑडियो इंटरफेस मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, इसे बहुत जल्दी मैं अपग्रेड करने वाला हूँ, उसका प्रीएम्प बहुत ही लो क्वालिटी का, यार मैं उसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें नॉइज़ भी बहुत आती है एंड उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी, एंड ऑडियो क्वालिटी भी बिल्कुल बेकार आती है। तो आप उसको अवॉइड करके एक अच्छी क्वालिटी वाला प्रीएम्प वाला ऑडियो इंटरफेस लो। अब नेक्स्ट फीचर है कन्वर्टर। कन्वर्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑडियो इंटरफेस में। अब उसका काम क्या रहता है, अब जैसे मैं स्पीक कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं जैसे बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर माइक्रोफोन जो कनेक्ट है हमारा ऑडियो इंटरफेस से, वो हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटली कन्वर्ट करेगा एंड उसे कंप्यूटर में सेंड करेगा, ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर पाए एंड उसे प्रॉपर तरीके से डॉ में हम उस पर एडिट कर पाए हमारी वोकल्स को या XYZ कोई भी ऑडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड रिटर्न में जो डिजिटल सिग्नल है वो एनालॉग में कन्वर्ट करके हमारे स्पीकर्स के थ्रू आता है, जिसे हम समझ पाए प्रॉपरली। एंड बेसिकली यार देखो, कन्वर्टर का काम इतना ही होता है, अभी स्टार्टिंग स्टेज पे मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा इसके बारे में, इतना जानना ही बहुत है। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है इनपुट्स एंड आउटपुट्स का। अब यार देखो, ऐसा है कि यार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एक ऑडियो इंटरफेस के लिए, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आप पर्टिकुलर टाइम पे कितने इनपुट कनेक्ट कर पाओगे आपके ऑडियो इंटरफेस से एंड कितने आउटपुट आप दे पाओगे एट अ सिंगल टाइम। यहाँ पर जैसे कि मैं बताऊँ कि मेरे पास जो ऑडियो इंटरफेस है U4 या UM2, इसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 इनपुट कनेक्ट कर सकता हूँ, एक माइक्रोफोन के लिए कंडेंसर माइक्रोफोन जो कि फैंटम पावर प्रोवाइड करेगा, एंड दूसरा सिंगल लाइन इनपुट जिसमें मैं सिर्फ DI टाइप कनेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि एकॉस्टिक गिटार्स, इलेक्ट्रिक गिटार्स, एंड उसके साथ पर्टिकुलर एक टाइम पे मैं दोनों को रिकॉर्ड कर पाऊँगा। बहुत सारे दूसरे ऑडियो इंटरफेस भी आते हैं जो कि कंडेंसर माइक्रोफोन्स कनेक्ट कर पाते हैं एक सिंगल टाइम पे, जिसमें 2 आप माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हो एंड वो फैंटम पावर भी सप्लाई करता है उसमें, एंड DI इनपुट भी अलग से दे रखा है। तो आप ये कह लो कि 3 या 4 आउटपुट के इनपुट के सॉरी
तीन इनपुट के उसमें आते हैं। एंड आउटपुट की जहाँ तक बात है, आउटपुट में यहाँ पर आपको दो तरीके के आउटपुट देखने के लिए मिल जाएंगे, एक तो बैलेंस्ड एंड दूसरा है अनबैलेंस्ड। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बैलेंस यूज़ करो ज़्यादा बेटर है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सैम्पल रेट एंड बिट रेट। अब यार देखो, इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जितना ज़्यादा सैम्पल रेट रहेगा एंड जितना ज़्यादा बिट रेट रहेगा, उतनी ही अच्छी ऑडियो की क्वालिटी आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि सबसे हाईएस्ट जो सैम्पल रेट है या हाईएस्ट बिट रेट है वो आपको सबसे अच्छी ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। मीडियम पे भी आपका काम हो जाएगा, एंड इवन प्रोफेशनली जो लोग यूज़ करते हैं वो भी एक मीडियम लेवल की रहती है, क्योंकि इतना हाई का कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फाइल्स हो जाती है एंड फोकट में आपकी जो स्पेस है पीसी की वो ये यूज़ करेगा। सो सजेशन ये है कि मीडियम सैम्पल रेट रखें, जैसा कि हम दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक पियानो प्लेयर है या आपको मीडी थोड़ा बहुत भी बजाना आता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑडियो इंटरफेस में आपको मीडी का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप अपना मीडी कीबोर्ड कनेक्ट कर अपने डॉ में डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग मीडी प्ले नहीं करते, बट फिर भी एक अच्छा फीचर है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये था पूरा ऑडियो इंटरफेस के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना मत भूलना कोई भी क्वेश्चन है क्वेरी है तो, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और ये रहा मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल, जाके फॉलो करो और भी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट एंड ऑडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉय दिस। थैंक यू।